वेलकम अगेन। और जी हाँ, गुड मॉर्निंग विद सभी। आप मॉर्निंग शो देख रहे हैं और ब्यूटी सेगमेंट है योर फेवरेट सेगमेंट। और इसके अंदर हम लोग डिफरेंट आप लोगों को ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ टेक्निक सिखाते हैं ब्यूटी से रिलेवेंट। इसमें हेयर स्टाइल भी होता है, मेकओवर भी होता है। मेकओवर तो आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं, और ऑफ कोर्स ब्राइडल मेकअप, वलीमे का मेकअप अक्सर आपने हमारे मॉर्निंग शो में देखे। लेकिन आज हम लोग ज़रा सा डिफरेंट टच लेकर आए हैं, और वो है माइयों, यानी कि मेहंदी वगैरह जो होती है उसके लिए भी। अब पहले ये होता था कि ब्राइड्स इतना नहीं करती थी, लेकिन अभी एक कंपटीशन हो गया तो ऑफकोर्स थोड़ा सा उसको अच्छा प्रेजेंटेबल भी किया जाता है, और इस वजह से भी किया जाता है। कुछ लोगों का मेहंदी वाले दिन निकाह होता है, तो इसीलिए भी उसको थोड़ा मेकओवर और कुछ मूवीज़ फॉर कुछ पिक्चर्स वगैरह फोटोग्राफीज वगैरह होती हैं, तो इसीलिए। लेट्स सी, आज हिना कोमल मौजूद हैं एच के सलोन से, और इस वक्त माइयों या मेहंदी की ब्राइड प्रेजेंट करेंगे हेयर स्टाइल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो हिना? अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कैमरा उधर, देखो ना, देखो तुम्हें नाज़रीन देख रहे हैं। एक बार फिर अच्छा लगा। ये क्या नया स्टाइल लेकर आए हो? मैंने ना सिर्फ अभी बालों को ना, क्योंकि माइयों में अक्सर होता है कर्ल्स होते हैं, तो मैंने इनके थोड़े से बाल लेके डोनट लगा दिया यहाँ पे, ताकि मेरा दुपट्टा सेट हो जाए। मैंने दुपट्टा उसको सेट कर दिया और बाकी बालों को कर्ल्स कर दिया, लेकिन थोड़े से बाल मैंने इस साइड से वी पार्टिंग में, ओके, वी पार्टिंग में मैंने इसको निकाल लिया, और बाकी सारे बालों को मैंने कर्ल्स कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे फिशटेल। ठीक है। अक्सर माइयों में मेहंदी में फिशटेल बहुत अच्छी लगती है, सिंपल भी और अजीब डिफरेंट लुक लगता है। स्टार्ट करें, देखिए आज हिना कोमल क्या बता रही है, और बड़ा प्यारा माशाल्लाह हल्का फुल्का मेकओवर भी, माशाल्लाह मेकअप भी करती है, स्टाइलिस्ट भी है, इनकी बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, क्लासेस भी देती है, और सबसे बड़ी क्वालिटी है कि पीबीआई की खास मेंबर है। पीबीआई को कहाँ छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा इस तरफ चेयर कर दो इसकी, थोड़ा सा, ये गुड हो गया जी, बेहतरीन। बस सिंपल फिशटेल मैंने टू पार्ट में लेके इसको फिशटेल बनाती रहूंगी, सीम करके जो ऊपर वाली लेयर लूंगी उसमें मैं एक एक लेयर ऐड करती रहूंगी, गुड, और ऊपर हाथ रखूंगी ताकि मेरी ना थोड़ी सी लूज बने। ठीक है। अगर हम ऊपर हाथ से बनाते हैं तो हमारा लूज आती है, और अगर हम नीचे हाथ करके रख बनाएंगे तो ये हमारी टाइट आएगी। अच्छा, ओके, ये भी एक टेक्निक है। टेक्निक है ये पूरी। अक्सर नाज़रीन कहते हैं कि सभी हमें स्टाइल जो है वो प्रॉपर सिखाया जाए जो भी हो, तो आज कोशिश कर रहे हैं ना कोमल जो है वो, बिल्कुल नाज़रीन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो कह रही थी कि ऊपर अगर किए जाएं तो वो जरा लूज होती है, और अगर हम नीचे इसी स्टाइल को मतलब ये जो है हेयर टेक्निक अगर नीचे कर देंगे तो वो बड़ा जरा सा टाइट हो जाएगा, ये लूज सा लुक आता है, मैसी सा लुक आता है, जबरदस्त। और अगर हमें ज्यादा मैसी चाहिए तो हम हाथ जैसे ही दो तीन स्टेप कर लेंगे कंप्लीट, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा लूज करते हैं। और अगर कोई कॉलर है हमसे बात करना चाहते हैं तो जरूर, जो भी ब्यूटिशियन है कुछ बात करना चाहे तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हिना कोमल मौजूद है। और हिना कितने टाइम से काम कर रही हूँ ब्यूटी फील्ड? मुझे 4-5 साल हो गए। अभी इनके बच्चे के मैट्रिक के पेपर हैं, पेपर चल रहे हैं। अच्छा, कहने का मकसद ये होता है, मैं अपने नाज़रीन को बताना ही चाहती हूँ कि देखिए ख़वातीन है ना स्किल्स रखती हैं, तो उनको देखो क्या क्या चीज़ों को देखना होता है। लाइट से अभी जैसे रास्ते में मेरे से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा रास्ते में कि भाई मेरे बेटे का पेपर हो रहा है मैट्रिक का, तो ख़वातीन जो है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना, उनका खाना पीना, फिर अपने ऑफकोर्स प्रोफेशन को देखना, तो ये नॉट ईजीएस्ट जॉब, ये सिंसेरिटी कहलाती है, और हस्बैंड की सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, ऑफकोर्स दो तीन इसे काफ़ी चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे को सपोर्टिंग में मिल जाती हैं, बिल्कुल। और काफ़ी प्रॉब्लम्स ख़वातीन देखती हैं, मैं ये भी बता दूँ आप लोगों को, ये इतना आसान नहीं है। मैंने यहाँ तक जहाँ ईयर अच्छा हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है, वहाँ तक मैं इसको ला के पिन अप कर दूंगी। ठीक है, हिना जरा खुद इधर रहो, आप मेरी जाना आई। अच्छा, एक और बात भी बताओ, जिनके बहुत पतले बाल होते हैं ये उनके लिए भी बड़ा जबरदस्त है क्या उनके बालों को? उनके बालों में सबसे ये होता है कि सबसे पहले ना हमें क्रम करना पड़ता है, मेजॉरिटी बाल आता ही हमारे पास पतला है,
आजकल किसी का भी बाल घना नहीं है क्योंकि सबने अपने बालों में केमिकल डाई लगा लगा के ना बाल अपने खराब कर लिए हैं। खुद बता रही है, हम नहीं बोल रहे नहीं, ये तो रियल है, केयर करनी बहुत जरूरी है। हम लोग कर लेते हैं लेकिन आफ्टर जो केयर होती है वो नहीं कर पाते, ये होता है। बिल्कुल ठीक। मुस्कुराती सुबह का क्या बोलते हैं वो? हेलो, हमारे इधर मेन कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो शहजाद भाई, का कॉलर है? अच्छा, हेलो, ड्रॉप ड्रॉप हो गई, बात करते हैं। अच्छा जी, अच्छा, जिनके बहुत छोटे छोटे चेहरे होते हैं ना, थोड़ा सा ये हल्का फुल्का फ्लफी या मैसी लुक जो है ना, वो उसको कवर कर देते हैं मेरे ख्याल। क्या कहते हैं ना, ऐसे बिल्कुल बनाते हैं हम फ्लफी लुक है, ताकि हमारा ना फेस थोड़ा सा ब्रॉड लगे। हाँ। और जिनका ब्रॉड होता है उसको हम थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, ब्रॉड चेहरे को हम थोड़ा सा नीचे लुक देते हैं, पिचका जिसे कहते हैं, फ्लैट लुक जिसे कहते हैं। और जो है हमारा जो छोटा फेस आता है तो उसको हम फुला के पूरा उसको मैसी सा करके देते हैं, ताकि हमारा चेहरा थोड़ा सा कवर हो जाए। ओके, अच्छा जी, मैं नाज़िम से बात करती हूँ जरा। ये जी बिल्कुल क्लोज में आ गए हैं, बेहतरीन, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, ये इजीएस्ट। आप जो स्क्रीन पर जी नाज़िम बहुत अच्छे तरीके से जो है इस वक्त ना सिखा रही है। अच्छा, इस स्टाइल को क्या कहते हैं ना? फिश टेल। फिशरी, फिश टेल, फिश फिश। हाँ, जो हमारी पुराने जमाने खजूर की चोटी नहीं कहते जिसे हम, अच्छा, उसका नया जो हमने नया नेम जो डाला है, खजूर की चोटी कह देते ना आप लोगों ने, खजूर का फ्रंट स्टाइल वो है। पहले बड़ा हम लोग छोटे छोटे बड़ा शौक से कहते खजूर की चोटी, अच्छा, बड़ी मेहनत की जरूरत होती थी, ये बता दूं आपको, वो बारीक बारीक लेयर लेते थे, अब हमें मैसी लुक चाहिए तो थोड़ी थिक लेयर लेते हैं, वो टाइम लेता था और उसको यूं एक कितना ये टाइम लेता था, और इतना खूबसूरत वो लगती थी, अगर वो लंबे बाल हो ना, लंबे बाल हो तो गॉर्जियस लगती थी वो। फिर उसमें एक और स्टाइल ऐड कर दिया, वो पता क्या था, उसको थोड़ा सा मोटा करके उसके अंदर बीच में से बाल निकाल के ना वो ऐसे से खींचते थे ना, तो वो बड़ी खूबसूरत सी एक स्टाइल बन जाता था, याद है मुझे। अब उसको कहते कहते उस ये मालूम नहीं है, लेकिन वो बड़ा प्यारा लगता था। सब ने अपनी अपनी क्रिएशन निकाली, क्रिएशन। अब तो भाई फेसबुक पे चले जाओ तो नए नए स्टाइल और नए नए जो है वो प्रेजेंट हो रहे होते स्टाइल। बिल्कुल जी, अच्छा, ये जिनके बहुत कम बाल होते हैं, बहुत कम बाल होते हैं, उनको हमने थोड़ा सा ट्रिम किया और ये बना दिया पूरा। इस जो है हमारी मॉडल के बहुत पतले बाल हैं, जिसकी वजह से उनको पहले से ही कुछ थोड़ा उनको थिक करना पड़ता है, थिक करना पड़ता है पूरी बालों की, हेल्दी कर दे समझ लो, जैसे फ्लफी हो जाए ना तो वो ज्यादा अच्छे लगे, वरना वो पतले बालों पे स्टाइल बनाना इतना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है जी। हीरा कितना रह गया? बस हो गया। हीरा बालों को मतलब हेल्दी करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग? बालों को ना हेल्दी करने के लिए सबसे पहले हमें, देखिए पहले जमाने में क्या होता था, रीठे आमले लगाते थे, हर्बल हर्बल चीजें जी, वो अब हम लोगों ने छोड़ दिए सारे। रीठा हो गया, आमला हो गया, इन बालों को लगाते थे बिल्कुल ना, तो ये होता था पूरा ना, तो वो उसी को हमने छोड़ा है और कलर हर कलर में आ गए। लेकिन कलर मैं कहती हूँ कलर करो, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना उसकी जो प्रिकॉशंस है, आफ्टर केयर है, वो जरूर करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर क्या बीट्स लगेंगे? बीट्स लगाऊंगी। ओके, अच्छा जी, ये तो डन हो गया ना? डन हो गया। ओके, अच्छा, इन्होंने पीछे जो है वो जो है खास वो नहीं है, सिर्फ डोनट लगाया? बस सिर्फ डोनट, मैंने दुपट्टा सेट करने के लिए। ओके, इन्होंने सिर्फ दुपट्टे को सेट करने के लिए डोनट्स लगाया ताकि वो उसको कवर कर ले। तो ये माइयों की दुल्हन, बिल्कुल मैंने मैसी लुक दिया इसको। इन्होंने तो ओरिजिनल फ्लावर वालों की भी हक मार दिया आप लोगों ने ना, पहले होता था फूलों से सजी हुई दुल्हन होती थी और मोती और गजरे के, वो गजरे होते थे मोती के, तो उस खुशबू आ रही होती थी, अब उन्होंने भी आर्टिफिशियल लिया है, आर्टिफिशियल लिया है, और जब चाहे आप पहन सकते, जब चाहे आप इन्हें खराब ही नहीं होंगे। लेकिन ये अलग बात है, खुशबू नहीं है, खुशबू नहीं है, ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, लेकिन ये भी है, खूबसूरत लग रहे हैं, और ये खास तौर पे मैं उन खवातीन को जो घर पे ये काम करती हैं स्किल्स के ऊपर, ये जैसे ये मेरी रिंग मेरे हाथ में है, इन्होंने जैसे बुंदे पहने हुए, तो ये लड़कियां
घर में बहन ये हैंडमेड वर्क कहलाता है, ये मशीनी काम ही हैंडमेड वर्क है, तो ये एक अच्छा खूबसूरत प्रेजेंट। क्या रह गया, जल्दी करो सॉन्ग रेडी कर ले, हो गया डन हो गया, चले जी सॉन्ग रेडी करें और हमारी मॉडल जो है वो एक हिना कोमल की जो प्रेजेंटेशन दिखा देंगे। अच्छा जी लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।